नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो विंटर का जो सीज़न आने वाला है आप सब जानते हैं, और विंटर में काफ़ी फ्लावर्स हैं जो नई नई तरह के आते हैं, नए नए फूल काफ़ी सुंदर सुंदर दिखते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फूल हैं जो विंटर के सीज़न में हम लगा सकते हैं, और उनकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सारी वैरायटीज़ हम आपको बताएंगे। लगभग 20 से 25 तरह के फूल हैं जो हम आपको आज बताएंगे कि वो आप अपने विंटर के गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अभी जो सीज़न है वो उनको पौध उनके तैयार करने का है, उसके बाद फिर पौध तैयार करने के बाद उनको हम प्लांट में कैसे शिफ्ट करते हैं, ये सारी जानकारी इस पूरी सीरीज़ में आगे आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से सीड्स आप लगा सकते हैं, उसके बाद फिर आगे की जो वीडियोस आएंगी उनमें बताएंगे कि सीडलिंग कैसे तैयार करेंगे, और जो उसके बाद फिर मिट्टी कैसे बनानी है वो सारी बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पर है ये, देखिए ये अफ्रीकन मिक्स है, मैरीगोल्ड, गेंदा भी इसको बोलते हैं, और गेंदे में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। जैफरी भी आता है, एक हाइब्रिड भी आता है, और एक ये भी हाइब्रिड वैरायटी का ही सीड्स हैं, हाइब्रिड वैरायटी। इसके सीड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और काफ़ी जो इसका रेशियो है जर्मिनेशन का वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये भी हाइब्रिड वैरायटी का ही सीड्स है। तो ये मैरीगोल्ड अफ्रीकन मिक्स है। दूसरे नंबर पर आता है ये है क्लेरकिया, नाम है इसका सीड्स का, और ये भी हाइब्रिड सीड है, और इसके जो फ्लावर हैं वो भी विंटर में आते हैं, तो इसके काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये एंथूरियम मिक्स को डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, और ये काफ़ी अच्छा होता है, इसमें कई सारे कलर हैं। तो ये मिक्स है, इसमें सारे कलर आपको मिलेंगे, जितने भी 3-4 कलर होते हैं, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इसके बाद आता है साल्विया। साल्विया का जो फूल है वो टॉप में आता है, जो पौधा होता है उसके टॉप में रेड कलर का इसका फूल होता है, और नीचे से पूरा प्लांट ग्रीन दिखेगा, ऊपर रेड, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इसके बाद आता है सिनेरिया। सिनेरिया ये भी मिक्स में है, इसमें भी 3-4 कलर के ऑप्शन आते हैं, ये आप देख भी रहे होंगे। ये देखिए, ये भी हाइब्रिड का ही सीड है, और इसमें भी कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। तो ये भी, इसका जो फूल है वो थोड़ा छोटा सा होता है, प्यारा सा, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। और ये है डेम्फोसिया मिक्स, तो ये भी हाइब्रिड वैरायटी का ही सीड्स है, और इसके जो कलर हैं वो 3-4 कलर इसमें अवेलेबल रहते हैं, वाइट है, फिर उसके बाद रेड है, पिंक है, ये भी मिक्स वैरायटी का ही सीड्स हैं, और ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इसमें जो भी मैं आपको सीड्स दिखा रहा हूँ ये सारे ही हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स हैं, और इसकी जो इसमें सीड्स आते हैं वो लगभग 30-40 सीड इसमें रहते हैं पैकेट में, और इसकी जो कॉस्ट है वो MRP इसकी 50 रुपीज़ है। ये मैं लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदा है, ये 40 रुपीज़ का इसका प्राइस है, लेकिन उसने मुझे 30 रुपीज़ में ये दिया है, 30 रुपीज़ का एक पैकेट। इसके बाद आता है सनफ्लावर। ये सनफ्लावर की रशियन जेंट वैरायटी है, और आप तो जानते हैं कि जो सनफ्लावर है सूरजमुखी वो काफ़ी प्यारा लगता है, सर्दियों में इसका फूल आता है, ये भी आप अपने गार्डन में सर्दियों के लिए ऐड कर सकते हैं, अभी से ही इसकी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद कॉस्मोस है, ये भी मिक्स है, कॉस्मोस में भी कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे, वाइट है, और उसके बाद रेड है, पिंक है, ये कई सारे कलर इसमें आते हैं, तो ये बड़ा प्यारा फूल होता है। इसके जितने भी कलर होते हैं इसमें येलो कलर का डॉट होता है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने विंटर गार्डन में। इसके बाद आता है डेजी। डेजी का जो फ्लावर होता है वो बड़ा ही सुंदर और छोटा सा प्यारा सा होता है, कई तरह के कलर इसमें मिल जाते हैं, तो ये भी मिक्स ही पैकेट है, इसमें भी मिक्स ही सारे कलर आपको मिलेंगे, तो डेजी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद पोपी एक फ्लावर होता है, बड़ा प्यारा और पतला सा कागज़ जैसा ये दिखता है, रेड कलर होता है इसमें, और एक पिंक कलर भी होता है, मेरे पास पिंक भी था लास्ट ईयर,
मेरे पास ये कई साल से मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ और बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर ये लगता है मुझे। तो ये मैं कई सालों से इसको ग्रो भी कर रहा हूँ, बड़ा ही सुंदर बड़ा ही प्यारा ये फूल होता है। विंटर के गार्डन में आपको ये भी ऐड करना चाहिए। और इसके बाद एलिसम है, ये भी बंचेस में फूल आते हैं और छोटे छोटे फूल इसके होते हैं, ये भी आप अपने विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरती ये देते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। इसके बाद एक फूल है पिटूनिया। पिटूनिया तो बेहद ही खूबसूरत फूल होता है विंटर के लिए। और ये मैंने, ये आप देख रहे हैं पैकेट, ये मैंने ऑनलाइन बाई किए थे। अभी से पहले जितने भी मैं पैकेट आपको दिखा रहा था वो सारे के सारे पैकेट मैं लोकल मार्केट से यहीं से ख़रीदे हैं, ये देखिए। लेकिन ये जितने भी आप पैकेट देख रहे हैं, ये चाहे उसमें गलार्डिया हो गया, चाहे एस्टर हो गया, चाहे पेंजी हो गया, और चाहे ये पिटूनिया हो गया, चाहे गजेनिया हो गया, ये सारे के सारे मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ये देखिए। हाइब्रिड वैरायटी के सारे सीड्स हैं, और ये सारे के सारे ही सीड एस्टर और पेंजी और पिटूनिया, गजेनिया, गलार्डिया बड़े ही प्यारे होते हैं। सारे के सारे इनके जो फ्लावर होते हैं, पेंजी का तो फ्लावर मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि क्या कहिए। पेंजी फ्लावर सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला, उसके ऊपर एक डॉट होता है, जैसे हल्का सा डॉट तितली के ऊपर होता है बटरफ्लाई के, वो बड़ा प्यारा लगता है। और गजेनिया का जो फ्लावर है, जब सुबह सूरज की जो किरणें पड़ती हैं तो उसके साथ ही वो खिलना शुरू हो जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। पिटूनिया एक, ये मान लीजिए कि काफ़ी भर भर के इसके फ्लावर आते हैं, और जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ने लगती हैं इसके फ्लावर भी बढ़ने लगते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो ये सारे सीड्स मैंने आपको दिखाए, ये सारे मैं अपने विंटर गार्डन में ऐड करने वाला हूँ। और इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि इनको, इनकी जो पौध है, जो पनीरी है, जो सीडलिंग है, वो कैसे तैयार करी जाएगी, वो सारी जानकारी अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल को अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और चैनल पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर दें, तो ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप ऐसे ही चैनल पर बने रहें, अपना प्यार देते रहें और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाए रखें। तो इसी के साथ इसी वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।